again. वो कभी नहीं आएंगे। वो भगवान के घर जा चुकी है और वो कभी नहीं आएंगे। समझे तुम? नहीं मेघा, नहीं। इसकी बात पर मानना। मैं तुम्हें कहती हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी को लाऊंगी। सुनिए, रोकिए इसे। अविनाश, उसे रोको बेटा, उसे रोको। कोई नहीं जाएगा मेघा के पीछे, कोई उसे नहीं समझाएगा। कब तक हम उसे झूठ बोलते रहेंगे? 3 महीने से ज्यादा हो चुका है मेघा की इस हालत को। हम उसे इसी तरह झूठ बोलते रहेंगे, वो इसी तरह बच्ची बनी रहेगी। कभी ना कभी तो उसे सच बताना होगा। क्या समझती हो तुम अपने आप को? माजी, रिमझिम को कुछ कहने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। इसमें रिमझिम की कोई गलती नहीं है। रिमझिम ने जो कुछ भी किया मेघा की भलाई के लिए किया, और मेघा को अपने बचपने से बाहर निकलना होगा। मैं कुछ समझना नहीं चाहती, मैं कुछ समझना नहीं चाहती। मुझसे मेघा की ये हालत नहीं देखी जाती। ऐसा इलाज हमें नहीं चाहिए। मेघा को कुछ हो गया तो किसी इलाज करोगे? और रिमझिम, कैसी माँ हो तुम? माजी, अविनाश, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम और किसी डॉक्टर को बुलाओ। जाओ महाराज जी, मुझे मेघा के पास ले चलो। मेघा, मेरी बच्ची। देखिए ना, मेघा मेरी बच्ची, दादी की बात मान। मैं कह रही हूं ना, मैं तेरी माँ को लाऊंगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी तेरी मामा को कुछ नहीं हुआ है, वो जल्दी वापस लौट आएंगी। हाँ बेटा, ना ऐसा नहीं कहते, तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना। जाओ यहां से रिमझिम। तुम जानती हो ना माजी का स्वभाव ऐसा ही है। अब ठीक है, अब मेघा के पास जाइए। पता नहीं क्या होगा उसका। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। थिंक पॉजिटिव रिमझिम। मेरे तो समझ में ये नहीं आता कि मेघा को ये सब किसने बताया। सिर्फ इतना जानते हैं कि मेघा बहुत तकलीफ में, किसी तरह से उसकी तकलीफ दूर हो जाए। माफी हो जाएगी रिमझिम, तुम बस अपने आप को संभालो। प्लीज रोना बंद करो। अब ठीक है, अब प्लीज मेघा के पास जाइए। Thank you.
इसलिए मुझे मानती हूँ। खंगम चक्रगदेशु चाप परिघाम चूलम भुशुंडिं शिरः शंखम संदधतिं करस्त्रिनयनम्। 14 साल हमने जेल में बिताए, एक कत्ल कर चुकी, दूसरा करने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगे। मत करना, मेघा से दूर रहो, समझी? प्रेम जी बिटिया, प्रेम जी बिटिया, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर, अचानक मेघा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। प्लीज डोंट वरी, मैं भी देखता हूँ। प्लीज आप गुरु में ले जाइए। आइए। हेलो मेघा बेटा, कैसी हो तुम? अच्छा जरा अपनी आंखें दिखाओ। देखो तुम बिल्कुल डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हारा चेकअप करना चाहता हूँ, ओके? अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी मम्मी से मिलना चाहती हो ना? मैं मिलाऊंगा उनसे, प्रॉमिस। डॉक्टर साहब, खतरे की कोई बात तो नहीं है? देखिए माँ जी, यकीनी तौर पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि मेघा किसी बात से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। शायद जाने या अनजाने में उसे कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा, रिमझिम जी को मेघा से थोड़े दिनों के लिए दूर रखिए, क्योंकि हो सकता है कि उनके सामने आने से मेघा को शौक लगा, और अगर इसी तरह का शौक उसे लगता रहा तो एक दिन उसे मेंटल असाइलम भेजना भी पड़ सकता है। इसलिए प्लीज़ इसका विशेष ख्याल रखें आप। मेंटल असाइलम? जी हाँ। लेकिन मेघा को बताया किसने होगा? चौदह साल हमने जेल में बिताए, एक कत्ल कर चुके, दूसरा करने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगा। मत करना हमें। तान्या। अरे ओ, क्या बात है, जल्दी आ गए? हाँ, आज काम में दिल नहीं लग रहा था। क्या बात है तान्या, घर में सब लोग इतने परेशान क्यों? वो मेघा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम क्यों परेशान लग रहे हो? राकेश अंकल की वजह से। राकेश अंकल? मैं कुछ समझी नहीं हूं। तने, राकेश अंकल ने एमडी की पोस्ट के इक्विवेलेंट एक और पोस्ट खड़ी कर दी है, और उस पर सोहम को बैठा दिया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो तो तुम्हारा छोटा भाई है। तान्या, प्रॉब्लम सोहम से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि राकेश अंकल ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सोहम को बिजनेस की एबीसी भी नहीं आती, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। मैं समझती हूँ। नहीं तान्या, मैं इस कंपनी में और काम नहीं कर सकता। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं ये कंपनी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ूंगा। क्या हुआ अविनाश? बाबूजी, हम पूछ रहे हैं मेघा कैसी है? अभी तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर उसे बहुत जल्द मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाना। मेंटल हॉस्पिटल? अविनाश, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मेघा ठीक हो जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी। हम कुछ कह रहे हैं, मेघा कहीं नहीं जाएगी बाबूजी। देख रहे जी बेटा, हम सब तेरी ममता की कदर करते हैं बेटा। हम सब जानते हैं कि तू मेघा से कितना प्यार करती, कितना चाहती है उसे। लेकिन रिमझिम, अगर
तुम मेघा का भला चाहती है बेटा, अगर नहीं चाहती कि वो मेंटल असाइलम चली जाए तो बेटा अपने कलेजे पर पत्थर रखकर तुझे मेघा से दूर रहना होगा। तो बेटा अपने कलेजे पर पत्थर रखकर तुझे मेघा से दूर रहना होगा। आप कह रहे हैं बाबूजी, आप उसकी माँ हैं? आप भी यही चाहते हैं? हाँ। ठीक है, आज से आप लोगों की सारी परेशानियां खत्म, हम मेघा के सामने कभी नहीं आएंगे। देख बेटा, मैं तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन वो हमारी बच्ची बीमार है, मेंटली अपसेट है। नहीं बाबूजी। रिमझिम, रिमझिम, ए रिमझिम, बेटा। बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। जिम, मैं जानता हूं कि बाबूजी और अविनाश की बातों से तुमको कितनी चोट पहुंची। मेघा की भलाई की खातिर तुम सबकी नजरों में गुनहगार बन गई हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। नहीं अनुराग, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से मेघा पागल खाने जाए। अनुराग, हमसे वादा करो तुम ऐसा नहीं होने दोगे, हमारी मेघा पागल खाने नहीं जाएगी, तुम उसे पूरी तरह से ठीक करोगे, उसका पूरा ख्याल रखोगे, हमसे वादा करो। और रिमझिम, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेघा का पूरा ख्याल रखूंगा। थैंक्स अनुराग, अब हम निश्चिंत होकर ये घर छोड़कर जा सकते हैं। क्या तुम ये घर छोड़ के जा रही हो? रिमझिम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अनुराग, हम फैसला कर चुके हैं।
ये सब क्या है? बैग लेके कहाँ जा रहे हो? माँ जी, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। घर छोड़कर जाने का मतलब? बाबूजी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये सब क्या कर रही हो तुम? ये अचानक घर छोड़ने के बाद क्या मतलब इन सब चीजों का? समझ रहा हूँ अविनाश, मैं सब समझ रहा हूँ। ये जो है ना रिमझिम, ये नाराज है हम सबसे, काफी नाराज है। बाबूजी, आप जानते हैं बात ऐसी नहीं, हम आपकी बेटी, आप जो चाहे हमें बोल सकते हैं, लेकिन बात यहां मेघा की, और सबके हिसाब से मेघा की हालत हमारी वजह से हुई। हम ये नहीं चाहते बाबू। रंजन प्लीज मेरी बात तो सुनो। अविनाश, हमें रोकने की कोशिश मत कीजिए, हम फैसला कर चुके हैं। मम्मी बन जाओ, प्लीज मत जाओ मम्मी।